नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है अभिषेक सोनी और हम आ चुके हैं आज कहाँ, वापस जयपुर में, जहाँ हो रहा है मेटा का क्रिएटर्स मीटअप। तो बहुत सारे क्रिएटर से मिलना होगा जो जो भी अपने राजस्थान बेस्ड है। बहुत एक्साइटेड भी हूँ और अब चेक इन करते हैं। ड्यूटी राम राम सा राम राम सा राम राम। ये मिल चुके हैं हमें द मीमर गाय sarcasm.exe। अच्छा, वाइब विद दीप में आ चुके हैं ये भी। तो एम्बियंस कुछ ऐसा है और ये सारे क्रिएटर्स हैं यहाँ पे। हमारा हो चुका है रजिस्ट्रेशन, हमने ले लिया है हमारा बैंड और काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, सब फेमस फेमस बहुत सारे हैं। ये पीछे चल रहा है रजिस्ट्रेशन, तो बताता हूँ मैं आपको। तो ये कौन मिल गया भैया यहाँ पे? राम राम राम। कबीरा भैया, देवाशीष भैया मिल गए, तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिल गया। अरे बहुत अच्छा लगा, बड़ी कॉन्फिडेंट, तो कहने की जरूरत ही नहीं है, इनको इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। अरे आए हो कभी उदयपुर? आए हो? मैं उदयपुर आया हूँ, मैं घूमने आया था उदयपुर। अच्छा, और बहुत बढ़िया जगह है। तो आओ, अब पानी पानी है। हाँ, ये तो ये राजस्थान के लोगों के दूसरे स्टेट की मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। उदयपुर जा रहा हूँ यार, पता पड़ेगा कितना पानी है। तो अरे आनंद आनंद नंबर, और भाई भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी वीडियो देखता हूँ मैं। अरे और यार मिल गए आज, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मिलता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने ये सेशन अटेंड किया जहाँ हर एक क्रिएटर का इंट्रोडक्शन हुआ और क्रिएटर्स को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। बहुत सारी चीज़ें बताई गई जिससे हर एक क्रिएटर को फ़ायदा हो और वो अपनी कम्युनिटी कैसे अच्छे से बिल्डअप कर सके। तो मीटअप में बहुत ही अच्छे लोग आए थे जिनसे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इनसे मिलिए, इनका नाम है आरजे अभी, जो जयपुर में झोटवाड़ा बॉय के नाम से बहुत फेमस है और बहुत ही प्यारे पर्सन है। तो इनका नाम है खुशा कबीला, नहीं नहीं, इनका नाम है वंशिका, जो कि आर्ट और क्रिएटिविटीज पे अपनी वीडियोस बनाते हैं और हमारे अच्छे मित्र भी है। तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी टेल करने के लिए अपने पास हैं 6 तरीके। सबसे पहले फीड, जिस पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। सेकंड है स्टोरी, जो अपनी स्टोरी लगाते हैं अपन। थर्ड है रील्स, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में। फोर्थ है लाइव, जिससे आप अपने इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने फैंस के साथ। फिर आता है नोट्स, जो कि आपके मैसेज और DM सेक्शन के अंदर है। और सिक्स्थ है चैनल, जो आप अपने फॉलोअर्स के साथ एक डीपर कनेक्शन बना सकते हैं, जिसमें आप मैसेज, वॉइस नोट्स और बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हैं। उसके बाद थोड़े से गेम्स खेलेंगे एंड वी ऑल आल्सो गिव यू अ ब्रेक व्हेन यू ऑल गेट टू नो ईच अदर, क्योंकि हम मानते हैं कि मेटा टू क्रिएटर कनेक्ट तो हो जाता है, बट क्रिएटर टू क्रिएटर कनेक्ट तभी होता है जब हम सब मिलके एक जगह एक भाषा में एक चीज के बारे में बात करते हैं, राइट। सो फिर हमें बताया थ्रेड्स के बारे में, कि थ्रेड्स क्या है, कैसे काम करता है, उसका लॉगिन इंटरफेस कैसा रहता है। और थ्रेड्स के लिए आपको सिर्फ एक कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, ना कि कैमरा रेडी होने की, क्योंकि आप कुछ जो भी मन में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं और थ्रेड को पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या 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 विषय का, क्या कह रहे हो? नेटवर्क का इशू था क्या? था, था वरना तुम पक्का जीतते नहीं। हाँ, बातें बना लो खाली इनसे, बातें बनाने में एक्सपर्ट है ये। और ड्राइंग भी, हम तो ड्राइंग ही बोलेंगे भैया, हम आर्ट और तो ठीक है, पर ड्राइंग। तो सेशन के बाद हमने खिंचाए फोटो सारे क्रिएटर्स के साथ। ये सारे क्रिएटर्स हैं और ये हमारे कबीरा भैया, इनके साथ है आरजे अभी, टशनवास बिल्लो, जो कि बहुत फेमस है। तो हमें यहाँ एक टास्क मिला था सारे क्रिएटर्स के साथ फ़ोटो खिंचाने का और वही फ़ोटोज़ अपने थ्रेड्स पे डालने का। तो हम सब जनों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाए। ये बंदा क्यों नहीं आया? अरे ये आप भी हो क्या? अरे यार, मतलब मान नहीं रहे हो। एक बार अरे मैम ने वो, अरे शर्म क्या, अरे
कुछ कर रहे हैं हाँ चलो आप कोई बात नहीं बाद में करेंगे। तो इनका नाम है राजकुमार जो अपने वीडियोस के थ्रू इंस्टा पे बहुत अच्छा है। तो क्या चीज है ये, क्या चीज है ये? क्रोसॉन है। हैं क्या लगता है, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन आए बैगन क्रोसॉन सैंडविच I don't know that. चाय लेटे चाय चाय वहाँ मैं चाय पी लेता हूँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ या कहीं आपने खारी नहीं है खारी दूध दूध में डूबता तो बहुत सॉफ्ट है हाँ तो मैंने कहा दूध में डूबकर खारी खावारी है यार ऐसा बनना बनेगा ऐसा ही बनेगा पाव है पाव पाव नहीं हाँ वो थोड़ा लगे मलबो थोड़ो अरे ये आदमी यहाँ पाव भाजी खाता पकड़ा गया ये पाव भाजी तो भाजी कहाँ है तो ये क्या खा रहे हो आप और ये कैसे खाते हैं भाई यहाँ एक चीज थी ना बहुत ये तो खा रही है दूध के साथ डुबक के खानी है इसको यहाँ अमीरों वाली चीज थी वो क्या बोलते हैं वो तो निपटी ये अमीर लोग आ चुके हैं मेरी फेवरेट डिश यही तो है अच्छा अच्छा ये डिश है या ये डिश है ओह माय गॉड मेरे को मैं क्या समझ रहा था मुझे लगा ये तो बचा हुआ ये कजाकिस्तान की डिश है फेवरेट ओह माय गॉड सच में डिश है ये डिश है डिश है ये डिश है ले इसको सच में डिश टीवी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर पकड़ ले हां ये जो है चीजें हां रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा ये खाएंगे कैसे इसको सर केचप ऐसे मतलब चम्मच डायरेक्ट मतलब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं केचप लगा लो आप मुन्ना में एक बार मंगा लो केचप के साथ चटनी वाली कचौरी देखा या हां कचौरी है क्या ताने कई के तो कचौरी रो कचरो करते तो था हाँ एक सेकंड ये हमारे थ्रेड पे जाएगा ये आपका क्या यूजर नेम क्या है अजमेर फूडी तो ये अजमेर फूडी आ चुके हैं और यहाँ पे तीसरी वाले पर हम किसी को कहेंगे नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे साथ वाले कहाँ गए और यहाँ पे ये मतलब बहुत बहुत बढ़िया मतलब मेरे को उधर छोड़ दिया और यहाँ पे इनके बढ़िया जिराया चल दोस्तों ये अपनी प्लेट भरने में लग रहा था तो मैं तो अभी भी नहीं भरी प्लेट है मैंने अभी अभी भी मेरी प्लेट नहीं भरी है और ये लोग बस वेरी गुड मेरे अच्छी बात है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ खत्म होने वाला था उन्होंने हमको बोल दिया था इसलिए हम बहुत बहुत बढ़िया बहुत चीटिंग है मेरे साथ ये फिर हमने क्लिक किए वहाँ के क्रिएटर्स के साथ बहुत सारे फोटोज़ और ऑब्वियसली इन सब को आप जानते ही होंगे क्योंकि इन सब का चेहरा ही आपको रील्स पे दिखता होगा अगर जानते हैं तो टैग करना ज़रूर इनको कमेंट सेक्शन में अब हो रहा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जिसने भी सबसे लॉन्गेस्ट थ्रेड डाला था अपने थ्रेड अकाउंट पे तो उनको मिलेगा प्राइस तो अब शुरू होने वाला था सबसे अमेजिंग पार्ट गेम्स तो हम सब जने दो टीम्स में बट गए एक टीम का लीडर था मैं और दूसरे टीम के लीडर थे आरजे अभी तो अब शुरू हो चुका था असली फन मेरी टीम का नाम था मौत के सौदागर और उसी के बाद अभिषेक बयाना रखा था उनकी टीम का नाम सौदागर के फादर चलो 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 सबसे पहला गेम था लेमन रेस का ऑल द बेस्ट मौत के सौदागर अरे रुक जा अरे आप चले जाना आप चले जाना चल मेरे को टैप कर Oh,
चलो 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 फटाफट एंड टाइम है जल्दी जल्दी हट जाओ फटाफट। वेरी गुड 3 2 1 टैप मी ओके वी हैव विनर गाइस। बहुत क्या सोचा सर तो अभी भी नहीं आ रहा हूँ। चलो 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 आया आज मौत के सौदागर में जोश आया। तो सेकेंड राउंड था लीडर वर्सेस लीडर, मतलब मेरे में वर्सेस अभिषेक भैया में। तो बहुत मजा आएगा, बहुत हूटिंग होगी और पूरा वीडियो देखना। तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में था डांस ऑफ, और जो सबसे पहले हुक स्टेप करेगा उस गाने का वो टीम होगी विनर। तो हम हो गए शुरू। अब गाना तो मैं नहीं लगा सकता कॉपीराइट की वजह से, तो ये सारी वीडियोस मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा जहाँ से आप पूरे डांस का वीडियो गाने के साथ देख सकते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the...
race, and on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. तो अब स्कोर था 3-1 का, हमारे 3 पॉइंट्स थे और सामने वाली टीम के 1 पॉइंट था। तो अब शुरू होने वाला था वापस दूसरा सॉन्ग। खूब इन्जॉय किया हमने, खूब डांस किया, और मैंने तो क्या पता कहाँ से डांस आया इतना सारा और सब एक ही बार में निकल गया। तो मेरे पीछे जो मेरी टीम थी, मोनिश भैया और ये सब जने, इन सब की हुटिंग से ही मेरे को इतना प्रोत्साहित किया इन सब जनों ने, तभी पता नहीं एकदम आग लगा दी मैंने वहाँ पे। Thank you.
कौन सा गाना है ओके अरे जीत तो गया ऐसी अरे उड़ जा खाले मैं बता दूं जिस स्पीड से इन्हें डांस शुरू किया ना उस स्पीड से ये गाना था भी नहीं और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट से ये रॉन्ग डांस कर रहे थे फंसे हुए हम लोग हमारे घर पे हे हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ तो इसी के साथ हम रहे विनर और ये रहे कुछ एंड के हाईलाइट बिल्कुल बिल्कुल एक बार क्या होता है एक बर्थडे दो बर्थडे होते हैं साइलेंस प्लीज प्लीज साइलेंस सिर्फ दो मिनट रुको ज्यादा नहीं एक बार क्या होता है एक लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो लास्ट में क्या होता है उनके घर वाले नहीं मानते ठीक है तो लड़का लड़की को बोलता है चल अपन भाग के शादी कर लेते हैं तो लड़की दो लाइन बोलते हैं वो सुनाता हूँ कि तू नहीं चैन नहीं सुकून नहीं उससे बुरी जिंदगी और क्या होगी क्या बात है चैन नहीं सुकून नहीं उससे बुरी जिंदगी और क्या होगी मुझे पता है विदाई के टाइम मन मेरा कैसा और शक्ल तेरी क्या होगी पर मुझे लेकर जाते वक्त तू एक बार ये जरूर सोचेगा जो लड़की अपने माँ बाप भी नहीं हुए वो मेरी क्या होगी जयपुर मेटो में दोस्तों और मैं मेरे लिए तो क्या बोलेंगे मैं बोलता हूँ भाई का डांस देख के मैं इनका फैन हो चुका हूँ बड़ा मजा आया यार फुल उदम मचाया मैं बस इनको देखता रहा खुद डांस करता भूल गया मैं कुछ भी प्रैक्टिस नहीं मतलब मैं तो बस फील कर रहा था पर बहुत अच्छा लगा सूरज सूरज जैसे मिल गया और बहुत अच्छा लगा और बहुत बिल्कुल उदयपुर आओ उदयपुर आओ बिल्कुल सेवा करेंगे आपकी बिल्कुल थैंक यू सो मच तो जाते जाते हमने थोड़े से फोटोज और खींच लिए इन सब के साथ जो कि पहले बाकी रह गए थे और फिर कबीरा भैया और हमने एक छोटा सा वीडियो भी शूट किया है जो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा तो ये सब था बुरा मेटा का इवेंट और बहुत मज़ा आया थोड़े बहुत क्लिप्स मैं नहीं शूट कर पाया क्योंकि हम वहाँ पे मतलब गेम्स वगैरह खेला रहे थे हम सबको जैसे कि आपने देखा पूरे व्लॉग में तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो गई पर बहुत मज़ा आया लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और अब वापस कल धनतेरस है तो दुकान तो बैठना पड़ेगा नहीं तो वापस ट्रेन है 10 बजे तो वापस अभी निकल रहे हैं हम और मिलता हूँ आपके साथ अगले व्लॉग में तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार देना इस व्लॉग को और हाँ कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा